टाई पहन के बियर पी लिया। 30 साल का हो गया, मैंने अब टाई लिया। फिर कितने की है? 20,000। मेरा सूट इससे सस्ता है, मेरे इसमें 3 सूट आए थे। एक फुल। ये मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है ना। What's up guys, welcome back to channel and भाई ये बर्थडे का अगला दिन है, कल भाई कुछ ज्यादा ही पार्टी हो गई है, पता नहीं क्या डला होगा क्या नहीं डला होगा, बट देन ये था घर पे हमने पार्टी करी, फिर उसके बाद हम आफ्टर पार्टी के लिए कहीं जाते, तो ये की थोड़ी सी तबियत खराब हो गई तो हमें घर आना पड़ गया। मम्मी से पूछते, मम्मी कल आपको हमारी पार्टी कैसी लगी? मजा आया यंगस्टर्स के साथ, है ना? एक दो को कान खींचने का मन कर रहा था, एक दो को मेरे को थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था। एक दो को और किसको थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था? सबको। लग पा था वो मेरे घर नहीं आएंगे। नहीं, वो प्रॉपर पार्टी हुई है भाई, मतलब मैं सुबह कंडीशन दिख रहा था घर में ना, मजा आ गया। वो आया भी गालियां दे रही थी। देन भाई हमने सुबह सुबह दुकान लगा ली यहाँ पे। कैसी लग रही हूँ? मैं ऐसे तो अच्छे नहीं लग रहा, दो दो पहन के एक पैर भी तो अच्छे लग रहे। लेटेस्ट है मेरे लिए गिफ्ट है। इतने ज्यादा? हाँ हाँ, लाख रुपए के चश्मे हैं सारे, 25,000 का एक है। पगला गए हो का? अरे एक ही मिलना है, वो कह रही चूज कर लो। अच्छा, बाकी चारों ही घर ले आया था, मैंने कहा मम्मी को दिखा दूंगा फिर एक चूज कर लूंगा इसमें से। ये मम्मी भी डिसीजन नहीं ले पा रही, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ इनको। नहीं, ये ऑलरेडी तेरे पास है ये शेप। हाँ। तो ये ले लेना, ये ट्राई करूँ। गाइस ये एंड देन ये रात को हमने जो पंगे करे थोड़ा कॉम्पनसेट करने, तो धृति मुझे गिफ्ट लेके दे रही है मेरे बर्थडे का। नहीं, जो आपने पंगे किए उसका कॉम्पनसेट करने के लिए आप मुझे गिफ्ट लेके दे रहे हो। बिकॉज़ मेरा बर्थडे, मुझे कोई गिफ्ट मिला नहीं है, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए भाई। कल तो पूरा ऐसे इमोशनल सीन हो गया था, सब दिल की बातें कर रहे हैं, ऐसे फन कर रहे हैं, और कल सब तो ऐसे इंटीग्रेट हो गए थे जैसे अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। ऑल इन ऑल ये था कि भाई घर वालों के साथ भी केक काट लिया, फ्रेंड्स के साथ लंच भी कर लिया। मैंने सोचा था मैं और बड़ी पार्टी करूंगा, बट मैडम ने बोल दिया था आप टेंशन मत लो, मैं सारा सरप्राइज प्लान करूं। बड़ी पार्टी होगी अगले बर्थडे पे। क्यों? डर्टी 30 भाई, अगले साल 30 साल का हो जाएगा बर्थडे। ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी नाइस, इट वाज स्वीट बर्थडे, इतने अच्छा बर्थडे करवा दिया, स्वीट लंच, लिटिल पीपल, ओनली रोस्टिंग। भाई मैं सच्ची व्लॉग नहीं बना पाया, जितना भी थोड़ा बहुत मैं इधर उधर से इकट्ठा करूंगा, क्योंकि गाइस 300 सिर्फ एक दूसरे की बिस्ती कर रहे थे और हंस रहे थे जोर जोर से, और जो फोन कवर्स गए सारे, ये मेरा फोन थोड़ा नंगा लग रहा है, सारे फोन बिना उसके कवर के। हम पहुंच चुके हैं DLF प्रोमेनाड, सीधा सेकंड फ्लोर पे आ गए हम, फूड कोर्ट वाले फ्लोर। सब देखो भाई, इसकी फ्लाइट है, इसको शॉपिंग करनी है, इससे मेरा बर्थडे गिफ्ट लेके देना है, मुझे खाना पीना करना है, खाना पीना के बिना शॉपिंग होगी नहीं, और अगर मैडम ने खाना पीना नहीं खाया तो हमें डांट पड़ेगी। इन शॉर्ट खाना पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी। रात को खाना नहीं खिलाया और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल। अभी हमने खाना खाया है, अभी इसको तेरा वाला पार्ट होगा, पैक करवा लेंगे। भाई इस लड़की से कोई नहीं जीत सकता, हर चीज में अपनी मनवा लेती है। आपका बर्थडे खत्म हो गया, अब चलेगी मेरी। मैंने अपने लिए फ्रेश जूस मंगाया, बिकॉज भाई एनर्जी की जरूरत है पूरा दिन निकालने की। जैसे जैसे हम स्मॉल के पास पास जा रहे हैं, मेरे दिल तक तक ज्यादा हो रही है। आज मैं वॉलेट खाली करके लाया हूँ। ऐसे करते वापस मुड़ जाते हो? वैसे मेरे गिफ्ट के लिए जाना है, बट पैसे इसके खर्च हो गए। ज़ारा भी जा सकते हैं। आएगा तो कुछ एम्पोरियो से ही आएगा। आज फिर आज आपको एम्पोरियो में से मैं कॉफी लेके दूंगी। मुझे ये महंगे लग्जरी ब्रांड्स की कॉफी पता चली, अगर आपका कोई बैग खराब सा हो जाए ना कहीं से भी लिया हो उसको भी ठीक करा सकते हो। ये लोग बता रहे भाई इतना सही चीज है, उनसे मिले, उनने बोला मेल डाल दो, वो बैग की वारंटी 2 साल की है बट इसको 5 साल हो गए, बट वो कह रहे हो रिप्लेस कर देंगे अगर आप ढंग से मिल। एंड ये अब हम आ गए रोलेक्स के शोरूम, हम कभी एंट्री नहीं मार सकते रोलेक्स में। अगर आप नए कस्टमर बनते हो आपको भाई वेटिंग लिस्ट पे आना पड़ता है, तब जाके आपको कोई घड़ी मिलती है। बट देन घड़ी का भी ऐसा फायदा होता है, अगर आपको घड़ी मिल जाए और अगर 4-5-7 लाख की घड़ी पड़ रही है, और 99.9% रोलेक्स की सारी घड़ी अप्रिशिएट करती है, तो आपको डबल रिटर्न कभी ना कभी देगी आराम से। वो तो 10 गुना भी मिला हुआ है। तो शुरू हो गई है, ये ले ले, वो ले ले। What are you gifting? लास्ट ईयर भी बर्थडे पे सरप्राइज दिया था, अभी इस बार मैं खुद चूज करके लूँ। जूते और चश्मों के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है, कभी जूते गिफ्ट कर दो कभी चश्मे गिफ्ट कर दो। भाई ये चश्मे कैसे लग रहे हैं? तो डियोर से तो हम निकल आए हैं, मैडम का कुछ फाइनल हुआ नहीं है। मतलब मुझे एक टी शर्ट पसंद आई है बट वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब प्लेन व्हाइट है, एंड एक पसंद आई है इसमें DDD पूरा बना हुआ है, बट वो थोड़ी ज्यादा महंगी हो रही है। पता चला धृति बोले ये पहला और आखिरी गिफ्ट है, इसके बाद मैं दिल्ली भी नहीं आऊँ। अब हम जा रहे भैया लुई विटों। हाँ अभी इसका बर्थडे भी तो आएगा, लुई विटों आ गए, कह रही है 70,000 की चप्पल है। हाँ आउटफिट देना, साइड भाई धृति फोटोज खींच रही है, ऑनलाइन डालेगी कि मैंने सबकी फोटोज देखी, रेट पूछे और खरीदा कुछ भी। भाई अब हम एक नई जगह जा रहे हैं, वो है टॉम फोर्ड, वहाँ पे ना मैंग का सूट दिया हुआ है, मैंने आपको ना वो ब्लेजर दिखाया नहीं है। नहीं नहीं
मैं ब्लेजर दिखाऊंगा भाई, 7 लाख रुपए का ब्लेजर लिया सिर्फ ऊपर का, और वो गंदा हो गया था तो उन्होंने बोला था कि अब यहाँ पे दे जाओ, हम अच्छे उसको साफ करवा देंगे। मैं भी अपने 30th बर्थडे पे 7 लाख का एक ब्लेजर ले सकता हूँ। यस, आप अपने 30th बर्थडे पे 7 लाख का ब्लेजर ले सकते हो, लेकिन आप सिर्फ वैक्सी से ले सकते हो, आप कहीं नहीं जा सकते इधर उधर। वहाँ पैसा थोड़ी दूंगा मैं, फ्री प्रमोशन नहीं चलेगा यार। 7 लाख मिल जाएगा ना, क्यों मुझे लग रहा था 3 घंटे भी कमाएंगे, बट प्राइस देख के लग रहा है 10 मिनट भी फ्री हो जाएंगे। भाई ये बंदी मानती नहीं है। और जवाब है यहाँ पे तो जूतों के नीचे भाई पिल्लो रख, पिल्लो की रखा हुआ जूतों के नीचे। थक गए थे, उसकी गर्दन में दर्द हो रही थी तो उसको पिल्लो छोड़ा था। एक्चुअल गरीबी ना यहाँ के महसूस होती है, रेट पूछ के अब चुप हो जाते हैं ना। इधर मुझे नहीं महसूस होती, अगर मैं गाड़ी का रेट पूछने जाऊँ तो मुझे महसूस होती है। तो इट्स ऑन यू व्हेयर यू वांट टू स्पेंड योर मनी। भाई गाड़ी पे लोन मिलता है, इन पे नहीं मिलता लोन, और लोन लेना ही नहीं चाहिए। ये सबसे गलत चीज है, ऐसी बातें बिल्कुल ना सुने। और नेक्स्ट बात, आज हम अपने लिए गिफ्ट लेंगे। जब तक बाबू पास हाथ में कैश नहीं है तब तक हम कुछ नहीं लेता। कैश नहीं मतलब कार्ड नहीं है, जब तक पैसा नहीं है तब तक हम नहीं लेता। अब है तो हम ले सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। मैं अपने लिए अकाउंट में 20,000 रुपये नहीं पड़े इसके, बोलने में तो क्या ही चाहता है। चित्ती को कुछ फाइनली पसंद आ रहा है, वैसे अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट ले रही हूँ, उनका बर्थडे है। भाई फेब में सारे अच्छे लगते हैं, भाई फेब में सारे जिनका बर्थडे फेब में आता है ना सबसे बेस्ट लोग। ये कितने के? मेरा यूरोप ट्रिप आ रहा है, इतना सामान ले लूँगा, सारे पैसे मैं ट्रिप पे रिकवर करूँगा। सरप्राइज पहले बता, शादी का सूट सिलवा लें, मैं अपने लिए सिलवा लूँ। लड़की ढूंढनी पड़ेगी, बस लड़की भी नहीं मिलेगी मुझे, इतने बुरे हाल है। क्यों लड़की के लहंगे पर 7 लाख खर्चा जाता है, लड़के का सूट तो 70,000 में भी आ जाए। भाई अब हम 5वें शोरूम में जा रहे हैं, क्या कर रही है, बस पीछे पीछे घुमाई जा रही है। This is a brand where you take your Valentine and get her a gift. इतना ले, मुझे एक चीज पसंद आ गई, मुझे बहुत टाइम से नहीं थी, वो थी टाई। मैंने 3 फाइनलाइज करी है, एक ये वाली है, एक ये वाली, एक ये। तो अगर कोई अवार्ड शो में इन्वाइट करेगा तो भाई जाके हम पहन लेंगे, अगले अवार्ड शो में प्रॉपर टाई और शूज पहन के जाएंगे। काफी इनवाइटेड बराती हो तो हर जने के कॉकटेल पे नाचने जाते हाँ, हो। ये भाई मैंने बहुत सारे अटेंड किए, मैंने ये फाइनल कर लिया, बस कोई अवार्ड में हम नॉमिनेट हो जाए तो पार्टी हो जाएगी। तो रेगुलरली मिलते भैया। हां, ये मेरा फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट है ना, ओनली बर्थडे गिफ्ट। नहीं भाई, बर्थडे गिफ्ट नंबर 1 मिल चुका है हमें, बर्थडे गिफ्ट नंबर 2 मिल चुका, अभी हम 2 और गिफ्ट पेंडिंग है। बर्थडे गिफ्ट नंबर 3 अभी हम गुची जाके देख लेंगे कैसे। फर्स्ट में डियोर से निकल चुके हैं, पर खर्चा मेरा नहीं हुआ है, धृतिका हुआ है। अब हम टॉम फोर्ड पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम एक और गिफ्ट लेंगे, वहाँ शूट सिलवाएंगे शादी का। चुप रहो, अपने पकड़ो, चलो यहाँ से बाहर निकलो। भाई वो जो हर निब्बा निब्बी दिल्ली आके फोटो खिंचाता ना एम्पोरियो के बाद, ताकि कोठी बनने वाले लगे। दो टॉम को बैकग्राउंड में लेके ना, ये कोठी बंगले वाले समझने लग जाते हैं अपने आप को। अच्छा, मेरी ग्रीनरी के आगे खींचो। हाँ, ग्रीनरी के आगे खींचो, वर्सेस रियलिटी। फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है, वापस जा रहे हैं। रीति मेरा इतनी शानी है, कपड़े मैंने मजाक कर दिया भाई, ये ज़ारा चलेगी, नए कपड़े ले आई है, अभी अच्छा लग रहा है, बताए इंसानों। हाँ, अब ये सही लग रहा है, तब ऐसा लग रहा था कि बाथरूम लेके घूम गई हर जगह, अभी भी लग रहा है बाथरूम तो नहीं छोड़ा मैंने। इतने बिजी हो गए हम, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ गए, मैडम ने बटन दबाया -2 का, और सेकंड पे आ गए, मेरे को लग रहा है बंदा वापस ग्राउंड फ्लोर पे। नारी तो भाई अपना पुराना प्यार जा रहा है जी वैगन। तो आपके बजट में कोई चीज नहीं आती, तो आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, जब इसके डबल ट्रिपल गुना अकाउंट में पड़े होंगे ना, तब हम बोलेंगे हाँ यार बड़ी अच्छी लग रही है, ले सकते हैं। वो मेरी तो जा रही है आगे, आपकी है yeah। तो आप किस इस गरीब की गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं, अब जाओ उसकी गाड़ी yeah, मुझे तो ई क्लास ही अच्छी लगती है ना लेकिन। हाँ गाइस देख लो, 4 करोड़ वाली जी वैगन के सामने प्रीति को E-class अच्छी लगती है। Basically, मेरे को तो वैगनर भी उतनी अच्छी लगती है। लेकिन I'm very down to earth and simple person। मुझे आप किसी में भी कोई भी गाड़ी में चढ़ के जा दो, बस मुझे बाइक और काइनेटिक काइनेटिक वो एक कौन से पुराने दिन याद दिला दे भाई, काइनेटिक से बड़ा मजा आता था, आवाज भी और भागती उतनी धीरे थी। आपको पता है जो उस गाड़ी में अंकल बैठे हुए हैं ना, वो गंजे हैं, बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि उनके EMI खत्म करने में बाल उड़ गया स्ट्रेस में। ऐसा क्या बता बेटा, अंदर कोई मालिक करोड़ों हजारों करोड़ों का पड़ा हुआ है। जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं पे सामान खोल के बैठ गई है कि मैं नहीं जा रही। मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा। मैं तो कभी ऐसे नहीं बोलूंगा मैं नहीं जाना, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ आउट ऑफ द कंट्री। भाई ये घूमने जा रही है मेरे बिना, तो अभी यहाँ से पहले अमृतसर जा रही है, वहाँ से सीधा दुबई निकल रही है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं जाऊं, मेरा भी मन कर रहा है, मैं कहा मैं चलूं, ब्रदर मुझे कहीं और के लिए वीजा लगवाना है, उसके लिए मेरा यहाँ होना जरूरी है, एंड कहीं और का वीजा मेरा पहले लग जाएगा, प्रीतिकल लगे ना लगे ये पता नहीं, बट देन मजा आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मैं आपके साथ चलूंगी, अगर आपकी किस्मत नहीं अच्छी होगी तो मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी।
भाई 15 मिनट से रो रहा है कि मेरा बर्थडे अभी खत्म नहीं हुआ तो जा मैंने बस ये बोला कि मेरा बर्थडे जल्दी जल्दी जा रही है, एक दो दिन और रुक जाती है। मम्मा की एनिवर्सरी है, पापा की भी समझ आ जाती है और इसके मॉम का बर्थडे भी होता है, इसलिए इसको दुबई भागना जल्दी। मेरी मम्मा 50 ईयर्स के हो रहे हैं। अगर इसकी मम्मी ये व्लॉग देखी ना बोलेगी कि इतने लोग के सामने बोल रही है तो, लेकिन वो फिर भी आपसे ज्यादा यंग है। म्यूजिक तूने इस बार अच्छा कंटेंट नहीं दिया, मैंने तूने कंटेंट नहीं दिया करते करते। पूरी सारी गाड़ियां वेट कर रही है आपके लिए, आप इधर पता नहीं अपने आप क्या बने हो भाई, भाई टर्मिनल वहां खाली रहता है यहां पे, तो अपना मैं तो कह रहा हूं पार्टी भी कर सकते हैं, इधर ही कर लो फिर बर्थडे पार्टी। तो भाई फाइनली धृति को बाय बोलने का टाइम आ गया, थैंक यू सो मच। हमारा एक और बर्थडे अच्छा बना है, पिछले साल का बर्थडे भी बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत अच्छा था। पिछले साल के पोस्टर्स अभी तक पड़े हमने यूज ही नहीं किए भाई, इस बार लगाए भी भाई, अच्छा हो कुछ पागल वाली हरकतें नहीं करी, पोस्टर दिल्ली में लग जाते ना मजा। पिछले साल थोड़े यंग थे ना तो हम ये सब कर सकते थे, अब थोड़े बुढ़े हो गए तो हम डिसेंट बर्थडे इसके बर्थडे पे इस बार हम भी कुछ ऐसा इंटरनेशनल। इस बार हम लंच किया था, अगली बार हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा क्योंकि तब तक और बुढ़े हो जाएंगे, बोलेंगे 7 बजे मुझे सैर करने जाना है। कल 12 बजे नींद आ गई थी मुझे और मेरा पार्टी करने बिल्कुल मन नहीं था, बट बताऊंगा उसकी कहानी। नहीं बतानी, मम्मी से डांट पड़ेगी ना बताना। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हो गया 2 मिनट काउंटर वाले कॉल हो गया ना, तो भाई ये लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। 8-9 का डिपार्चर था, अच्छा वाला 7:30 छोड़ दिया, वैसे तो गलती इंडिगो की है भाई, वो चेक इन काउंटर पे आधे घंटे से वेट करी हो गया, सब ब्रेक पे गया हुआ इंटरनेशनल वाला बंदा, क्योंकि धृति ने यहाँ से सीधा दुबई जाना है। इंटरनेशनल वाला बंदा आया, कहता मैडम आपकी रिटर्न टिकट कर, धृति ने रिटर्न नहीं करा बिकॉज उसकी फैमिली वाली रहती तो आती जाती रहती है, वो कहते चाहिए चाहिए, धृति भाई पैनिक कर, रिटर्न टिकट नहीं है मुझे वापस आना पड़ेगा, चेक इन बंद हो जाना। तो भाई हमने सारा दौड़ में जुगाड़ करवाया, रिटर्न टिकट बुक कराई बिकॉज वीजा अपॉइंटमेंट के, धृति को भी दिल्ली वापस आना है। तो इन शॉर्ट इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भाई मेरा सर फट जाता है, किस किस के काम कराओ, बट देन अच्छा है भाई, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, खुद को भी अच्छा लगेगा। एंड अभी भाई घर वालों के लिए कुछ एनिवर्सरी का प्लान करना है, वो मैं कुछ कर नहीं पा रहा बिकॉज मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा है। वैसे कर्नल साहब को बोलते हैं, कर्नल साहब के लिए गिफ्ट लाया है, डियोर की रेट आएगी, रेट सुन के पापा वैसे ही मुझे गाली देगी, बोले तू ही रह। हम घर पहुंच चुके हैं, कल मम्मी पापा के एनिवर्सरी, तेरा बर्थडे गिफ्ट, मेरा बर्थडे गिफ्ट, उनका एनिवर्सरी का गिफ्ट, इसका बर्थडे गिफ्ट रह रहा है, आपके एनिवर्सरी का गिफ्ट रह रहा है, सब हाथ लगा लो, कंबाइंड गिफ्ट, गिफ्ट मेरा है, चलो खोलो पापा, यार आपका है, पापा ने बड़े प्यार से खोला है, अब निकाल लो इसको, कागज निकल रहा है इसके अंदर, एक और कागज, लगा बड़े हो गए हैं, टाई भी ले लेते, टाई पहन के 30 साल का हो गया, मैंने टाई ली है, फिर कितने की है, गेस करो, गेस करो, 1100 की, कितने बैग आ जाएंगे उसमें से, मैथमेटिक्स कम, 15 बैग आ जाएंगे जितनी की एक टाई आई है, बस मेरे मैच कर रहा हूं, सॉरी बैक टू 20,000 गिरने वाली, गिरने वाली, आराम से, ये गलत बात है, ये ब्लॉग में ना पैसे पैसे नहीं करने चाहिए, दिमाग खराब है धृति ने लेके दिया, पता है, नहीं नहीं जब आपकी बेटी को 2.5 लाख का बैग लेके तब तो प्यार, मैंने कहा ना प्यार की कोई कीमत, बैग तो एटलीस्ट मैं रोज यूज करती हूं, पर ये आपके लिए रख लो, मेरा सूट इससे सस्ता है यार, मेरे इसमें 3 सूट आए थे, एक फुल 16,000 में 3 सूट आए थे यार। भाई सीन कुछ ऐसा है कि मैं सबसे गिफ्ट देख रहा, तूने मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया, जो आपने मुझे दिया था, क्या दिया मैंने, कुछ नहीं, देन भाई हमारे पास कुछ गिफ्ट्स तो आए हैं, आप गाड़ी बुक कराई है मैंने तेरे लिए, ठीक है, सबको पता है ये बात, सबको पता है ना कि किस लिए गाड़ी है, सबको पता है, लोग ये सारे घूम फिर के हमें क्यों सुना रहे, देन भाई सारे ने भी हमें गिफ्ट दिया है, सारे ने हमें टी शर्ट दिया है, तो ये लड़कियां सारी अच्छी होती है, मेरे किसी दोस्त ने कुछ गिफ्ट दिया, वो बेचारी एक अच्छी सी एक टी शर्ट लेके आई थी, वो भी बट मीडियम साइज लाई है, हम लार्ज वाले बंदे हो गए तो उसको बोलूंगा भाई साइज चेंज करा दे, भाई अभी 6-pack वाला बना नहीं है, कल हमारे लिए गिफ्ट आ जाना चाहिए, जो हमारे लिए आ जाएगा तब हम आपके लिए लेंगे, मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है, हम उनके लिए ले लेते हैं कुछ, वो भी लिख के।